नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब कर्मचारी पूछने लगे हैं कि एरियर कब मिलेगा, तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारियों को एरियर देने में लग सकते हैं 2 से 3 साल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के 11,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ रोके। इसमें कर्मचारी पेंशनरों के 9,000 करोड़ का एरियर और 1,000 करोड़ का डीए शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 4,430 कर्मचारियों और 5,226 पेंशनरों के एरियर को रोका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कर्मचारी पेंशनरों का बकाया एरियर भुगतान करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। हालांकि संसाधन जुटने पर इसका भुगतान 6 माह या 1 साल के भीतर भी हो सकता है। वहीं सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर करीब 86,000 करोड़ रुपये का कर छोड़ कर गई। इसमें 75,000 करोड़ सरकार के ऊपर कर्ज है तथा 11,000 करोड़ रुपए की बकाया देनदारियां कर्मचारियों व पेंशनरों की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए वेतनमान को भी चुनाव से ठीक पहले लागू किया। ऐसे में यदि सरकार 6 माह में खोले संस्थान भी चलाती तो प्रदेश सरकार पर 91,000 करोड़ कर चढ़ जाता। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा उनके मंत्रिमंडल सहयोगी भी मौजूद थे। इस दौरान ओपीएस बहाली और सरकार के इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने के बाद अब एरियर को लेकर सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि एरियर का भुगतान 2 से 3 साल के अंदर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा है कि अगर संसाधन बढ़ते हैं तो 6 माह में या 1 साल के अंदर भी इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।